आज हम बनाएंगे चॉकोलावा केक। हेलो, वेलकम टू माय चैनल। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, आपको तो पता ही होगा, चॉकोलावा केक, जो कि बहुत डिफरेंट तरीके से बनते हैं और बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनते हैं। बट मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल वाला रेसिपी, जो कि आप बहुत सिंपल तरीके से बना सकते हैं। और इसमें मैंने कोई ओवन का यूज़ नहीं किया है और सिंपली 4 इंग्रेडिएंट यूज़। आप काउंट जरूर कर लेना कि मैंने 4 किए हैं या उससे ज़्यादा किए हैं। सो देर किस बात की, जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सबसे पहले हम लेंगे ओरियो बिस्किट। ओरियो बिस्किट को हमें ग्राइंड कर लेना है, एकदम पीस पास के, एकदम क्या बोलते हैं इसको, चुकंदर बना लेना है। चुकंदर ऐसे कुछ बोलता है। उसके बाद हम लेंगे बेकिंग सोडा बिल्कुल थोड़ा सा लेना है, हाफ चम्मच से भी हाफ। फिर ऐड करेंगे दूध और मिक्सी करना है, मिक्सी आराम से चला लेना है। और ये पेस्ट थोड़ा सा थिक ज़्यादा है तो और दूध ऐड करेंगे, फिर से एक बार चला लेंगे। ये थिकनेस बहुत सही है। और ये मैंने लिया है एक छोटा सा बॉल, कटोरा, कुछ भी बर्तन ले सकते हो आप। थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है, ऑयल की जगह आप मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वर्जिन ऑलिव ऑयल बेस्ट रहेगा। फिर सारे पेस्ट को ट्रांसफ़र कर लेना है इस बॉल में। उसके बाद मैंने लिया है मेरा फेवरेट डार्क चॉकलेट। आप डार्क चॉकलेट की जगह कोई और चॉकलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद है। और कुछ नहीं करना है, डार्क चॉकलेट को ऐसे पीस बनाने और उसमें डिप कर देना है। चार डार्क चॉकलेट लिए हैं, फिर ऊपर से हम कवर कर देंगे। बर्तन को हमें प्रीहीट कर लेना है। ये मैंने पहले से प्रीहीट कर लिया है और ये हो गया है गरम। ढक्कन हटाना है, आराम से इस बॉल को इसमें ट्रांसफ़र करना है, फिर ढक देना है और छोड़ देना है आराम से 25 से 30 मिनट तक, लेकिन फ्लेम एकदम लो रहेगा। और ये देखिए रिज़ल्ट आपके सामने है। 30 मिनट के बाद मैं चेक कर रही हूँ, टूथपिक से इसलिए चेक कर रही हूँ ना, अगर ये इसमें गीला सा लग जाता है डैट मीन्स कि अभी पका नहीं है, बट ये अच्छे से पक गया है। और मैं अब टर्प करके दिखाऊंगी। ये वाला पार्ट तो आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। देखिए कितना ईजिली ट्रांसफ़र हो गया ना, बिल्कुल चिपका नहीं है। और कट करके आपको दिखाऊँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और इतना ज़्यादा टेस्टी बना है तो खाना तो बनता है ना। मैं खा के दिखा रही हूँ, इधर मैं खा रही हूँ, इधर आशु खा रहा है। तो हम दोनों ने टेस्ट किया, बहुत ही लाजवाब बना है। देखा आपने, मैंने सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट यूज़ किया है, राइट? और बना कितना यमी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ट्राई करके क्या करना है आपको, आपको मेरे कमेंट सेक्शन में आना है और मेरे को बताना है कि आपका वाला कैसा बना है। और ज़रूर बताना है, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप ज़रूर फॉलो करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। और प्लीज सपोर्ट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, जितना ज्यादा हो सकता है शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, अभी के लिए बाय बाय।